गोमती चक्र के अलग अलग नाम हैं, नाग चक्र, सुदर्शन चक्र, कैट्स आई चक्र, और ये मिलता है हमें गोमती नदी से जो द्वारका में है गुजरात में। हमारे हिंदू ट्रेडिशन में ये बिलीफ है जिसके पास गोमती चक्र है ही इज़ ब्लेस्ड विद हेल्थ वेल्थ एंड प्रोस्पैरिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंडली एंड ज्योतिष। आई एम आचार्य कोमल गोयल और आज मैं आपको गोमती चक्र से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। वॉट इज़ गोमती चक्र, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बेनिफिट्स एंड हाउ कैन यू यूज़ इट्स बेनिफिट्स। सो टू नो एवरीथिंग जस्ट स्टे ट्यून्ड। जैसा इसका नाम है सुदर्शन चक्र, ये कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र जैसा दिखता है जो उनका हाथ में गोल घूमता रहता था फिंगर में, इस तरह से उसके ऊपर भी एक स्वर्ल होता है गोमती चक्र के ऊपर। ये गोमती नदी में मिलता है शेल जैसा, पीछे से एक तरफ से शेल जैसा होगा, आगे से फ्लैट होगा। और जैसे कि बाकी नेचुरल चीज़ें होती हैं, आप 1 किलो आम लाएंगे मार्केट से तो सारे आम एक साइज़ के नहीं होंगे, उनका हर कोई सेम कलर का नहीं होगा, थोड़ा सा कलर डिफरेंस होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट मैड मेड, दे आर नॉट मेड इन अ फैक्ट्री, एक ही चीज़ एक ही डिज़ाइन फॉलो करके नहीं बनाए गए हैं। ऐसे ही गोमती चक्र भी अलग अलग साइज़ के भी आते हैं, कोई थोड़ा सा कम राउंड होगा, कोई थोड़ा ज़्यादा राउंड होगा, जस्ट लाइक दैट। बात करते हैं गोमती चक्र के बेनिफिट्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो यही है दैट पर्सन हु पजेस दिस इज ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ प्रोस्पैरिटी एंड वेल्थ। सेकेंडली, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स कुछ नहीं होते, इसके इसको रखने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए देर इज़ नो नीड कि आप किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या न्यूमरोस्कोप यानी कि न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे न्यूमरोस्कोप दिखाएं कि भी हमें ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये कोई भी रख सकता है। अब बात करते हैं कि हम इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, मतलब किस तरह से धारण कर सकते हैं। इसको पेंडेंट की फॉर्म में धारण कर सकते हैं आप, राखी या ब्रेसलेट की फॉर्म में, और इसको हम ऑड नंबर्स में बस कुछ पीसेस, कुछ गोमती चक्रास को अपने पास रख सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप उसको रखेंगे, कहाँ रखेंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। और इसको ट्री की फॉर्म में भी मिलता है, गोमती चक्रास के ट्री होते हैं, छोटे छोटे शो पीस की तरह छोटे से ट्री होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे गोमती चक्र ब्रांचेज में लगे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोमती चक्र ट्री की। गोमती चक्र ट्री इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप जाएं और ले लें, और इसके ऊपर जैसे ब्रांचेस में लगे होते हैं छोटे छोटे गोमती चक्रास, तो ये कस्टमाइज भी कर देते हैं आपको, जिनके पास जो इसके डीलर्स हैं वो आपको 251 गोमती चक्रास लगे हुए मिलेंगे, उसके ऊपर 351 300 500 400 कितने भी आप लगवा सकते हैं। और इसको रखने की अगर हम बात करें तो इसके लिए ऐसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। हाँ, साउथ ईस्ट में रखेंगे तो भी अच्छा है, नॉर्थ में रखेंगे तो भी अच्छा है, बट फिर भी मैं ये बताऊंगी कि इसको हम कहीं भी रख सकते हैं अपने घर में। ऐसा कुछ नहीं है कि बेडरूम में नहीं रखना, लिविंग रूम में नहीं रखना, यहाँ रखना है वहाँ रखना है, आप इसे अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, बेड साइड की टेबल पे रख सकते हैं, और शो पीस की तरह ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। इनफैक्ट घर में ही नहीं, ये ऑफिस में भी रखा जा सकता है। आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपका जो डेस्क है आप वहाँ पर रखिए, अपने केबिन में रखिए, अपनी टेबल पर। अब अगर हम इसको ब्रेसलेट की फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो राखी की फॉर्म में भी मिलता है। अब राखी रक्षाबंधन आ रहा है तो आप गोमती चक्र की राखी ले लीजिए, उसके अंदर कुछ और भी क्रिस्टल्स लगे होते हैं अच्छे बेनिफिशियल, उसको आप ब्रदर के लिए बांध सकते हैं। ब्रेसलेट की फॉर्म में बनवाना है तो ऑड नंबर्स में गोमती चक्र से 7, 9 या 11 एज पर द साइज ऑफ योर रिस्ट आप उसको बनवा सकते हैं और उसको पहन सकते हैं, इट्स वेरी बेनिफिशियल। पेंडेंट की बात करें तो सिंगल गोमती चक्र लेकर उसको ब्लैक धागे में या रेड धागे में आप डाल के गले में डाल सकते हैं। जस्ट इसी तरह से कुछ नंबर ऑफ पीसेस लेकर गोमती चक्र के, वो हम कैसे रख सकते हैं, वो आप रख सकते हैं अपने घर में जहाँ पर भी आपका मतलब तिजोरी होती है या कैश घर में रखा जाता है, ज्वेलरी जहाँ रखी जाती है वहाँ पर आप कुछ नंबर ऑफ पीसेस जैसे ऑड नंबर्स में 3, 5, 7 या 9, 11 तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। इनफैक्ट अपने ऑफिस में या अपनी शॉप पर जहाँ पर आप कैश रखते हैं वहाँ पर आप ये कुछ नंबर ऑफ पीसेस रख सकते हैं। आपके छोटे बच्चे हैं घर में और उनको अगर नाइटमेयर्स आते हैं, डर लगता है, रात को डरावने सपने आते हैं, तो उनके पिलो के नीचे आप 5 गोमती चक्रास या 7 गोमती चक्रा और नंबर्स में कुछ लेकर उसको एक रेड कॉटन क्लॉथ में बांधकर उसकी एक पोटली सी बनाकर आप उसको पिलो के नीचे बच्चों के रख सकते हैं परमानेंट रखने के लिए। वहाँ जहाँ पर बच्चे सर करके सोते हैं उस तरफ गद्दे के नीचे ही रख दीजिए। घर में जहाँ पर भी आप डेली आकर अपना वॉलेट या जिस ड्रॉअर में अपना वॉलेट और कुछ पैसे रखते हैं वहाँ पर भी आप इस तरह से एक रेड कलर की कॉटन पोटली में बनाकर इसको 11 गोमती चक्र या 9 गोमती चक्र आप उनको बांध कर रख सकते हैं। जब हमें इस तरह से यूज़ करना है बच्चों के लिए
तब तो स्पेशली हम उसको बांध कर ही क्लॉथ में रखेंगे, पर जब आपको अपने किसी ज्वेलरी बॉक्स में या कैश बॉक्स में रखना है तो आप सिंपली उसके पीसेस वहाँ रख दीजिए उस ड्रॉर में या उस बॉक्स में, तो भी इट्स ओके, इट्स कन्वीनियंट। अगर कई बार लोगों को डर लगता है कि कुछ बुरी नज़र है या कुछ टोक लग गई है, तो आप इस तरह से ये पोटली 9 की या 11 की या 21 इनफैक्ट घूमती चक्र की, फिर आप थोड़ी हैवी पोटली बनाकर उसे अपने घर की जो चौखट है, जो मेन गेट का जो चौखट है, वहाँ पर ऊपर बांध सकते हैं बीच में। सो एज कोई भी अंदर आएगा तो उसकी छाया से आएगा और एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, नेगेटिविटी रिमूव होकर ही कोई भी चीज़ घर के अंदर आएगी। इस तरह से ऑफिस के या शॉप की चौखट पर भी बांधा जा सकता है टू इम्प्रूव योर बिजनेस और योर जॉब, टू गेट फाइनेंशियल ग्रोथ, इसको इस ऊपर बांधा जाता है। दिवाली पर भी लोग इसको पूजा में यूज़ करते हैं, हर साल दिवाली पर, जैसे कई लोग चांदी के सिक्के की पूजा करते हैं जिस पे लक्ष्मी गणेश जी बने होते हैं, या सिंपल भी चांदी का सिक्का ले लेते हैं। इस तरह से एक जो बड़े गुमती चक्र आते हैं, बड़ा गुमती चक्र या 3 या 5 आप रखें उसको, उसकी पूजा करें और फिर मंदिर में रख दें, पंडित जी आते हैं, पंडित जी से भी करवा सकते हैं पूजा। उसके बाद अगले साल फिर एक और आएगा सेट आपका, और अगले साल जब दिवाली की पूजा होगी तो दोबारा से जो नया सेट आएगा उसकी पूजा होगी। कई बार लोग ऐसा डर जाते हैं या कुछ उन्हें टेंशन होती है कि कुछ नेगेटिविटी है हमारे अराउंड, हमारे घर के अराउंड या ऑफिस के अराउंड या शॉप में कुछ नेगेटिविटी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसमें भी हम गोमती चक्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम 1.25 किलो गोमती चक्रास लेंगे और उसे घर के बाहर 7 times घुमाएंगे और फिर उसे इसी नदी में बहा सकते हैं। इसी तरह से शॉप या ऑफिस के बाहर इस तरह से 7 times घुमा के 1.25 किलो गोमती चक्र फिर उसको बहा सकते हैं, इट गिव्स रिजल्ट्स। अब बात करते हैं कि जब आप गोमती चक्र की कोई भी फॉर्म में, पीसेस के फॉर्म में या उसको ट्री के फॉर्म में या ब्रेसलेट के फॉर्म में, राखी के फॉर्म में, जब आप पेंडेंट के फॉर्म में, मतलब जैसे भी आप लाते हैं अपने घर, तब इसको क्या करना है। जब आप अपने घर इसको लाएंगे तो एक बार इसको हम गंगा जल से थोड़ा धो लें, चाहे तो थोड़ी देर डिप करके रख दें गंगा जल में। इसको आप सॉल्ट वाटर से भी धो सकते हैं या कच्चे दूध से भी क्लीन कर सकते हैं। इससे इस कितने तरह के, जैसे घर से बाहर जब मार्केट में है कितने तरह के हाथ लगते हैं, तो इट रिमूव्स एवरीथिंग काइंड ऑफ नेगेटिविटी। अब उसको उसके बाद इस तरह से घर लाने के बाद किसी भी एक फॉर्म में, जैसे मैंने बताया तो सॉल्ट वाटर या फिर गंगा जल, किसी भी एक तरीके को फॉलो करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी अच्छा दिन देखकर भी उसको पहनना शुरू कर सकते हैं, या फिर कैजुअली भी आप इसको अपने जैसे रूम में से जाना है एस्ट्रोलॉजिकल गोमती चक्र ट्री को, तो आप किसी भी दिन भी उसको रख सकते हैं, नहीं तो अच्छा दिन देखना भी एक तरीका है। और भी कई तरह की रेमेडीज़ में इसको सजेस्ट करा जाता है। जैनिज्म में बहुत सारी पूजाओं में गोमती चक्र का यूज़ होता है। एक्चुअली एज पर द प्रॉब्लम पर्सन इज़ फेसिंग, कोई इशू इंसान के लाइफ में आ रहा है तो उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी रेमेडीज़ में सजेस्ट करा जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप उस पर वेबसाइट पर जाकर वहाँ की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी शिफ्ट एनीवेयर इन इंडिया। अपने व्यूज़ गोमती चक्र के बारे में या कोई भी ओपिनियन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।